हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ आज का दिन क्या है। आज संतान सप्तमी है। संतान सप्तमी के दिन सभी माताएं अपने बच्चों के लिए पूजा पाठ करती हैं, उनकी लंबी आयु, चाहे वो बेटा हो या बेटी, इसमें कोई भेदभाव नहीं रहता है। संतान सप्तमी सबके लिए होता है, कोई सी भी संतान हो सबके लिए। तो ये हर जगह मनाया जाता होगा क्योंकि हर माताएं अपनी अपने बच्चों के लिए लंबी उम्र की कामना और उनके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना लेकर बराबर भगवान से प्रार्थना करती होंगी। तो चलिए मैं मिलते हैं आगे और आपको बताते हैं कि आज के दिन क्या बनता है, क्या नहीं बनता है, कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस, मैंने जैसे आज आपसे कहा था कि यहाँ पे संतान सप्तमी मनाई जाती है। वैसे तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे त्यौहार मनते हैं अपने हिंदू धर्म में, लेकिन क्या है ना, किसी कारणवश मैं आपको वो उसकी पूजा तो नहीं दिखा पाई, लेकिन मैं आज आपको अपने यहाँ पे जो गणेश जी का समय चल रहा है उनकी पूजा जो हो रही है वो सारी विधियाँ आपको दिखाऊंगी। और साथ में आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी उसकी रेसिपी जैसे मैं बनाती हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे। गाइस, तो देखिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरा मोबाइल थोड़ी डिस्टर्ब हो चुका है, इस वजह से मैं पूरा आधे वीडियो बना है, आधे नहीं बना पाई मैं। तो देखिए मैं तो बना रही हूं वो छोले भटूरे, तो मैंने उसके लिए आटा गूंथ के रखा है और फिर मैंने ये सोचा कि नाश्ते में ब्रेड कर दूँ, क्योंकि छोले भटूरे बनाने में सबको बहुत टाइम लगेगा, तो सब बच्चे भूखे रहेंगे, ये भी भूखे रहेंगे, इसलिए मैंने आज ये छोले मैंने उबाल के रख लिए हैं। तो मैं सोची पहले ब्रेड का नाश्ता करा दूँ, उसके बाद मैं छोले भटूरे बनाऊँगी। तो गाइस, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं छोले भटूरे की रेसिपी मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, आधा वीडियो मेरा पता नहीं कहाँ गया। तो गाइस, जैसे मैंने बताया था कि मेरा वीडियो नहीं बना, आज गणेश जी के उत्सव में जाना था क्योंकि अभी गणेश जी का उत्सव चल रहा है। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये मैंने जिसका है उस जिसके यहाँ गई थी मैं भजन के लिए, उनके यहाँ पे मैंने इनकी परमिशन से ही बनाया है। देखिए ये गणेश जी हैं, यहाँ पे विराजमान है, यहाँ पे भजन कीर्तन कितने सुंदर सुंदर हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो भजन कर रहे हैं वो इतनी एजिट होने के बाद भी वो दादी किस हिसाब से गाने गा रही हैं, देखिए और कितनी ताकत है उनके अंदर। देखिए सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे गणेश जी के भजनों का आनंद ले रहे हैं सभी लोग, और कितना प्यारा माहौल लग रहा है यहाँ पर। तो देखिए गाइस, ये है गणेश जी की प्रतिमा जहाँ मैं भजन के लिए गई थी। हेलो गाइस, मैंने आपसे बताया था कि आज मैं किसी कारण बस आपको अपना पूरा वीडियो नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया था और इस वजह से मैं अपना एक्टिंग नहीं कर पाई हूँ, ना ही मैं वीडियो बना पाई हूँ। तो मैं आपसे इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ। और मेरा आज का वीडियो बहुत ही छोटा सा है अगर, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आप सबको पसंद आए। और मैं यही चाहूँगी कि आप मुझे भी पसंद करिए, मेरे वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए। और इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। मैं अच्छा से अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी और मैं आपको बस इतना ही कहूँगी कि अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया आपको तो इसको प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और फिर से अगेन सॉरी, पर हम इसके बाद मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।